भिवंडी पश्चिम विधानसभा कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार श्रीमती सुहासमा जवाज चिखलेकर को कांग्रेस की ओर से टिकट न मिलने की वजह से श्रीमती सुहासमा जवाज चिखलेकर व जवाज चिखलेकर ने भिवंडी स्थित वराला तालाब मंगल भवन कार्यालय में अपक्ष उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया। इस संदर्भ में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। देखो, मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ बगावत नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ इसे 2019 में भी अन्याय किया था, महिला के साथ। जब भी महाराष्ट्र से एक ही मुस्लिम महिला थी और अभी भी इन्होंने 2024 में भी मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा ये कहा था कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिया जाएगा। मुझे राहुल गांधी से भी मिलना है, मुझे ये जितने जो प्रभारी इंचार्ज स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ से इसके बाजू में रिपोर्ट अच्छी गई थी, सर्वे में इसका नंबर वन पे रिपोर्ट था, फिर रिपोर्ट की वजह से इसको टिकट क्यों नहीं दी गया और जो अचानक इसका जो टिकट फाइनल के लिस्ट में नाम चला गया, इसका एक बाजू में फेक फॉर्म बाजू में करके डायरेक्ट बाहर से उम्मीदवार आके ग्रामीण का उसको टिकट देते है। ये मुस्लिम भिवंडी मुस्लिम 56% मुस्लिम आबादी होने के बाद, यहाँ पे वोटर ज्यादा होने के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है मुस्लिम समाज के ऊपर। कांग्रेस का आदेश आएगा, कांग्रेस ने मेरे को पहले इसका जवाब देना है। और इन लोगों ने जो स्क्रीनिंग कमेटी जो आए थे या फिर जिनको स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बनाया था, सब लोग जो थे, इन्होंने जो क्या किस वजह से ये जगह बांटी, राहुल गांधी ने जो बोला था नेम था कि सर्वे के अंदर जिसका नाम चला आएगा उसको टिकट दिया। राहुल गांधी जब तक ये चौकसी नहीं करेगा, इनकी फोन टेप रिकॉर्डिंग सब सीआईडी मार्फत करना चाहिए, नेता लोगों के जो आए थे इधर उनकी चौकसी होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो राहुल गांधी का इन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया है, राहुल गांधी के आंखों में धूल चार के ये लोगों को ये इसको बाहर के उम्मीदवार को टिकट दिया है, वो यहाँ का रहवासी भी नहीं है, यहाँ का स्थानिक भी नहीं है, उसका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, ये कैसा दिया गया है? मुस्लिम समाज का ये उम्मीदवार यहाँ पे काफी क्या बोला था, मुस्लिम समाज को 20 उम्मीदवार दिए जाएंगे, 30 कैंडिडेट की महाराष्ट्र में मांग की गई थी, आज महाराष्ट्र के अंदर 8 सीट भी नहीं दिए, 10 सीट के अंदर ऑलआउट कर डाला है कांग्रेस को। भिवंडी के जनता का यही कहना था कि बहुत अच्छा माहौल हुआ था यहाँ पे भिवंडी में, पिछली बार आपने देखा था कि यहाँ पे खादर एनसीपी का नए चिन्ह पे आया था, उसको चुनके दिया, तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पे कांग्रेस का पंजा माइनॉरिटी को अगर देते थे तो ये 50,000 वोटों से जीतने वाली सीट थी, ये आने वाली सीट, ये इन्होंने वरिष्ठ नेता जो बाला साहब थोरात के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा, इनको हमारे भिवंडी के अंदर दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी, उसने अपने लॉबी को टिकट दे के ये बहुत बड़ा नुकसान किया, ये आने वाला हमारा हमको 5 साल पीछे ले जाने का काम किया है, ये हमको कांग्रेस की सीट गलाना है, अभी भी कांग्रेस पार्टी ने विचार करना है, वो दिया हुआ उम्मीदवार का विचार करके फिर महिला को देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि 30% महिला को आरक्षण दिया जाएगा, मैं राहुल गांधी के पास जाने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ क्या आपने महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम महिलाओं को कितना टक्के आरक्षण दिया, इसकी भी मालूमात हमको चाहिए, और 5% भी आरक्षण नहीं दिए गए है, ओबीसी समाज को कहा दिया गया है, माइनॉरिटी समाज को कहा दिया गया है, पिछड़े समाज जो रहता है उनको भी नहीं दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि ये माइनॉरिटी का शहर था, यहाँ पे माइनॉरिटी का हक था, यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट देते ना तो हमको चलता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं दिया और महिला का सबसे ज्यादा अपमान किया है। आज तुम हिमाचल में देखो, हरियाणा में देखो, राजस्थान में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, महिला को कैंडिडेट मुस्लिम बनाया है, आज तक महाराष्ट्र के रिकॉर्ड में देखो कि महिला को नहीं दिया जाता है। मेरा यही पूछना है कांग्रेस वालों से कि ये संदेश आप महाराष्ट्र में पूरी मुस्लिम समाज में जाने वाला है, मुस्लिम समाज का अपमान किया है ये नेता लोगों ने, ये राहुल गांधी के बाद हम तकरार करने वाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विधानसभा के चुनाव के लिए मैंने कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी मांगी, बट कांग्रेस ने मुझे बहुत उम्मीद थी, बट लास्ट टाइम पे मेरा नहीं हुआ, सर्वे में नाम आने के बावजूद मुझे नहीं दिया गया। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी भिवंडी को लावारिस क्यों कर दिया गया है, जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं सब बाहर से क्यों आ रहे हैं, हमारे भिवंडी में जो हम लोग जो बचपन से रह रहे हैं हम लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है। और एज अ वुमेन मैंने फर्स्ट टाइम भरा था और राहुल गांधी जी तक तो ये बात पहुँच जानी चाहिए थी कि यहाँ से भी कैपेबल लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं जो अपनी कांग्रेस के लिए खुद हो के आपकी पार्टी में आना चाह रहे, बट ये लोग को
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी को भी दे रहे हैं, जो भी बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को दे रहे हैं। तो अब हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो हम लोग एज अ अपक्ष अभी हम लोग खड़ा होना सोच रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपनी भिवंडी वालों को बताएं कि बाबा हम लोग भी हैं भिवंडी वाले, आप हम लोगों को भी चुनकर दे सकते हैं। और मेन बात ये है कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये लोग अपने पैसे के बल पर अपना टिकट खरीद रहे हैं, और उसके बाद इन लोग क्या करते हैं कि काम नहीं करते, उन लोग अपने पैसा वसूल करने में लग जाते हैं या अपना बैंक बैलेंस जमाने में लग जाते हैं, काम नहीं दिखता है। इंशाल्लाह अगर हम लोग ये जो न्यू चिन्ह से हम लोग जो खड़े होना चाह रहे हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो हम महाविकास अघाड़ी को ही अपना समर्थन देंगे,